नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि आप अपने कंप्यूटर में पेंट पर कैसे काम कर सकते हो। पेंट का जो है पूरा फुल ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको जाना है अपने कंप्यूटर के स्टार्ट मेनू पर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी जो ये यहाँ पर खुले हुए हैं एप्लीकेशंस जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप कोई भी खोल सकते हैं, जैसे शेयर एक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, विंडोज एनी टाइम अपग्रेड, कैलकुलेटर और पेंट। पेंट मुझे यहाँ दिख रहा है, मैं यहाँ से इस पर राइट क्लिक करके इसे ओपन कर लूँगा। अगर यहाँ पर नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले यहाँ इसे सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तो ये पेंट आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से खुल के आ जाता है। अब मैं इसे एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने ओपन कर लिया है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप इसका इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें दो टैब होती हैं दोस्तों, एक तो होम टैब दिखाई दे रही है और एक यहाँ पर व्यू टैब है। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। अब देखिए जैसे हमें कुछ बनाना है यहाँ पर, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे अभी हमारे चैनल का नाम है ग्लोबल शेयर, तो मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ। ये देखिए मैं ऐसे पहले यहाँ पर, आप ऐसे कुछ भी करना है, आपको जो भी वर्क करना है वो यहाँ पर कर सकते हैं। अब हमें क्या है इसे, अगर ये कुछ यहाँ पर देखिए जैसे ये लाइन आ गई है, मैंने ये लिखा है, ये थोड़ा अटपटा है क्योंकि ये थोड़ी कलम की तरीके से लिखा गया है, पेन पेंसिल की तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा लग रहा है। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ शिवम। ये देखिए अब जैसे हमें इसे मिटाना है तो हम इसे कैसे मिटाएंगे, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर रेज़र दिया हुआ होता है। रेज़र को जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से कुछ आप इसे मिटा सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। ये देखिए मैंने इधर का पूरा ये मिटा दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिसाइज का। रिसाइज पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूछता है कि आपको इसे रिसाइज कैसे करना है, आप इसे परसेंटेज में रिसाइज करना चाहते हैं या फिर पिक्सल में रिसाइज करना चाहते हैं। हम मान लें पिक्सल में रिसाइज करना चाहते हैं। अभी जो इसकी कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है, परसेंटेज 100/100 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और पिक्सल में 911/484 है। अब मैं इसे थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये मैंने बढ़ाया तो हल्का सा बढ़ाया ये, और आप इसे यहाँ से भी कुछ इस तरीके से ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रिसाइज बदल गया है, ये देखिए 948 हो गया है, जो अभी मैंने 913 किया था। अब हम इसे क्या है फिर से एक बार थोड़ा सा घटाएंगे। जब हम यहाँ से भी इसे घटा सकते हैं, जितना चाहें उतना घटा सकते हैं, और बढ़ाना चाहें तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से कर दूँगा, कुछ इस तरीके से ये मैंने बढ़ा दिया है। अभी मैं इसे डिलीट कर दूँगा, मतलब हटा दूँगा कुछ इस तरीके से। तो अभी देख रहे हैं आप कैसे इसे काम करना है आपको अपने कंप्यूटर में। पेंट जो होता है, पेंट जो बच्चे सीखते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर में जो कुछ भी काम होता है वो यही होता है कि आप पेंट सीखिए सबसे पहले, और उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो अभी मैं पहले इसे हटा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं और आपको आगे की बताऊँगा। आप देखिए यहाँ पर पेंसिल है, पेंसिल से अभी जैसे मैंने लिख कर दिखाया था, अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसमें लिखा जाता है क्योंकि ये पेंसिल है। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें कलर करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए पूरा का पूरा कलर हो गया। अभी ये कुछ गलत हो गया है तो हम इसे कैसे करेंगे, अगर आपका मान लिया गलत हो चुका है तो आप करेंगे कैसे इसे। यहाँ पर एक अंडू का ऑप्शन दिया होता है, आप इसे अंडू कर सकते हैं इस तरीके से। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप अंडू कर सकते हैं। उसके बाद रोटेट भी आप इसे कर सकते हैं, रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 डिग्री, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। फ्लिप वर्टिकल, मतलब जैसे शीशे में मिरर में दिखाई देता है उल्टा लिखा हुआ, ऐसे दिखाई देगा। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो फिर अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। सेलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में इस तरीके से बन जाएगा। फिर हम इसे डिलीट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये हट गया है, कोई बात नहीं, ये हट जाता है, ये हम इसे फिर से अंडू करके वापस ला सकते हैं। इसके बाद आपको मैंने ये बता दिया है पेस्ट, ये भी बताऊंगा मैं पेस्ट फ्रॉम। कुछ फाइल उठानी है आपको तो आप कैसे उठाएंगे वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं रिसाइज रोटेट, और ये कलर का है ये। इस तरीके से आपको यहाँ पर अगर कुछ लिखना है आप उसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर बोल्ड करना है तो आप उसे
बोल्ड कर सकते हैं, वही चीज़ है जो एमएस ऑफिस में होती है। यहाँ पर ये सब जो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा, कलर कौन सा लेना है वो सब, और ट्रांसपेरेंट ओपेक क्यू जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद हम इसे अभी फ़िलहाल डिलीट कर देंगे, इसे फिर हम अंडू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए वहीं पर आ गए हैं हम अपनी ओरिजिनल कंडीशन में। इसके बाद अभी हम कैसे करेंगे, ये देखिए, ये तो था यहाँ पर टेक्स्ट, और इसके बाद ये मैग्नीफायर है, मैग्नीफायर से आप इसे बड़ा करके देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये फिर से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ गया है, जिसे आप कंट्रोल और माउस के जो बीच का पहिया है उसे घुमा सकते हैं, जो टायर टाइप का कुछ बना होता है। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए कलर पिकर है, आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से करेंगे बनाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पर कलर डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ये दिखाऊंगा आपको कि हम यहाँ पर कैसे काम करेंगे इसमें। सबसे पहले कलर पिकर ले लेंगे, ब्लैक कलर ले लिया है हमने, अब हम यहाँ पर इसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटी सी, अभी मैं आपको जल्दी से एक झोपड़ी बनाकर दिखाता हूँ, फिर हम उसमें कलर भी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, देखते रहिए आप, आज मैं आपको इसमें पूरा इसमें गाइड कर दूंगा कि आप कैसे बनाएंगे और किस तरीके से आपको ये कैसे करना है झोपड़ी पर। इस तरीके से आप अपनी झोपड़ी को नया आयाम दे सकते हैं। ये देखिए, अब यहीं से आपको कुछ लाइन खींच लेनी है, इस तरीके से आप बनाते चले जाएंगे। ये देखिए आपकी झोपड़ी बन चुकी है। अब हमें इसमें एक विंडो लगानी है, तो आप यहाँ पर एक विंडो भी लगा सकते हैं। विंडो लगा देंगे तो उसके बाद इसमें कुछ डिजाइन लगाना चाहते हैं तो डिजाइन भी आप लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से करेंगे। इसके बाद इस तरीके से करेंगे, ये देखिए आपका यहाँ पर डिजाइन बनकर तैयार है बिल्कुल। ये जो बाहर हो जाएगा इसे आप अंदर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हमें यहाँ पर गेट लगा देना है। गेट कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको अभी इसी में बताने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से आपको करना है। इस तरीके से आपके गेट बनकर इसमें तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये सब तैयार है बनकर। अभी हमको यहाँ पर क्या करना है, हैंडल बनाना है गेट का। अब हम जब हैंडल बनाएंगे तो पहले इस तरीके से एक हमें यहाँ पर ले लेना है, उसके बाद थोड़ा लोक का देखेंगे इस तरीके से। जब मैं इसमें आपको फिर पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से इसमें कलर भरना है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए ये बनकर थोड़ा सा तैयार है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ आपको किस प्रकार से इसमें कलर भरना है। अब जब कलर भरने की बारी आती है तो हम यहाँ पर कलर ले लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको कलर भरने हैं, जैसे कोई भी कलर भरना है यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप इसमें कलर भर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा ये बनने के बाद। ये देखिए, जी हाँ दोस्तों, देखिए आप इसको देख रहे होंगे कि ये बनकर तैयार है झोपड़ी। और हमें इसमें कैसे कलर भरने होते हैं, इस तरीके से आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर यहाँ पर डालना है,
और सॉरी ऑरेंज कलर यहाँ पर डालना है तो आप इसे यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कलर पिकर होता है, यहाँ पर कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर दूसरा कलर ले सकते हैं, या फिर इनमें से ग्रीन कलर है इसे यहाँ डाल सकते हैं। इस तरीके से हो जाता है। अब मैंने यहाँ बैकग्राउंड पर लगा दिया है तो बैकग्राउंड पर होगा। अब अंडू कर देंगे तो हट जाएगा। कलर को आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से जैसे भी ऐड करना चाहते हैं आप। इस तरीके से ये यहाँ से लेंगे, फिर ये यहाँ पर कलर आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये पेंट इस तरीके से काम करता है। इसके बाद इसमें कलर टू भी होता है, ये इसमें ले सकते हैं आप कोई भी कलर जैसे। तो इस तरीके से आप इसे कार्य को कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद व्यू है, यहाँ पर आपको जूम इन करना है तो जूम इन कर सकते हैं, इसे जूम आउट करना है तो इस तरीके से जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए 100% पे रखना है, जैसे अभी ज़्यादा है 100% पे रखना है, 100%। इसमें रूलर लगाना है तो रूलर यहाँ पर आ जाएगा जो स्केल का काम करता है। इसके बाद रूलर के साथ ग्रिड लाइंस लगाने, ग्रिड लाइंस लग सकती हैं, रूलर हटानी है हटा सकते हैं, लगानी है लगा सकते हैं ग्रिड लाइन। स्टेटस बार जो यहाँ पर ये लाइन दिख रही है आपको, ये नीचे 1062x498px, ये हटानी है तो इसे भी आप हटा सकते हैं। फुल स्क्रीन पर ले जाना है तो फुल स्क्रीन पर ले जा सकते हैं, और हटाना है तो फिर इसे माउस को 2 बार क्लिक किए, या फिर आपको जब ये फिर से हटाना है तो आप इसे एस्केप बटन को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका बनकर तैयार हो जाए तो आपको सेव करना है। सेव कैसे करेंगे, यहाँ पर न्यू ओपन सेव फाइल होती है, अबाउट पेंट के बारे में प्रॉपर्टीज, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर लगाना है तो फिल टाइल सेंटर कुछ भी कर सकते हैं, सेंड करना है तो यहाँ से सेंड कर सकते हैं, प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, पेज सेटअप पेज प्रीव्यू प्रिंट देख सकते हैं, सेव एज देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेव सबसे पहली बार जब आप इसे सेव करेंगे तो आपको सेव एज पर नहीं जाना है, सेव पर जाना है। सेव पर जाने के बाद डेस्कटॉप पर जाएंगे, डेस्कटॉप पर यहाँ पर लिखेंगे अपनी फाइल का नाम, जैसे पेंट वन मैंने लिख दिया है। तो इसे किस में सेव करना है ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले मुझे JPEG फॉर्मेट में लेना है तो मैं इसे सेव करूँगा। अब ये सीधे बंद हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसे यहाँ से रीओपन करेंगे तो ये खुल जाएगी। अभी हम इसे फिर से करेंगे, देखिए हम इसे एडिट करेंगे तो फिर से यही होगा इसमें। अब मान लिया मैंने यहाँ पर कुछ भी ऐड कर दिया, जैसे मैंने ये ऐड कर दिया, इसके अलावा मैंने ये ऐड कर दिया। अब मैं इसमें कलर भर देता हूँ। जी हाँ, सबसे पहले कलर लेकर मैं इसमें कलर भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने कलर ये भर दिया, और अब मैं इसे सेव करूँगा दोबारा, तो ये दूसरी फाइल नहीं बनेगी, उसी में चली जाएगी। लेकिन अब की बार हम सेव नहीं करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पर अपनी फाइल ढूंढेंगे, इसी पर हम इसे सेव करेंगे। ये पूछेगा पेंट वन JPEG ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वॉन्ट रिप्लेस इट। पुरानी वाली जो फाइल है वो हट जाएगी, और जो न्यू फाइल अभी हमारे पास अवेलेबल है वो फिर एग्जिस्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब ये हो गई है, देखिए इस तरीके से। अब हम इसकी एक बार प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। पहले इसकी प्रॉपर्टीज 55 KB थी, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ 61 से 64 KB के बीच हो गई है। तो इस प्रकार से आप पेंट में काम कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ग्लोबल शेयर को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके पास कंप्यूटर से जुड़ी ट्यूटोरियल वीडियो भी लेकर आते रहते हैं, मोबाइल के और यूट्यूब टिप्स के साथ साथ। धन्यवाद।